वन दिस इज़ मी सा है और मैं आपके लिए ले लेके आए हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो कि ऑनर ऑफ़ रिलेशनशिप में हैं पर्सन के साथ और जानना चाहते हैं कि क्या पर्सन कभी भी सीरियस होगा आपको लेकर कनेक्शन को लेकर क्या वो कभी भी कमिटमेंट देगा या नहीं तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो इस रीडिंग में हम बिल्कुल uh, गाइडेंस भी ऐड करेंगे सो स्टेन और चार्पस भी ऐड करेंगे सो so... रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी सो so, जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो तो, अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो तो बहुत सही ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी सो लेट सी के जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है आपकी और आपके पर्सन के दरम्यान में <clears throat> क्या ये कभी भी खत्म होगी क्या आपका पर्सन आपको कमिटमेंट देगा लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर वन कि जो ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है क्या ये कमिटमेंट में बदलेगी हा? या ना लेट्स फाइंड आउट लेट्स बिगिन द वर्ल्ड पेज ऑफ द टावर एज ऑफ पंटिकल्स एन इधर ऑफ व अच्छा मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए जो आपका पर्सन है ना वो आपको शादी मटेरियल या कमिटमेंट मटेरियल जो है वो समझता ही नहीं है टू बी ऑनेस्ट आपकी तरफ अट्रैक्टेड ज़रूर है आपकी तरफ फिज़िकली सेक्शली एक अट्रैक्शन जो है वो ज़रूर फील करता है लेकिन वेर इट कम्स टू थिंकिंग ऑफ यू की वो आपको लेकर फ्यूचर का सोचे या कनेक्शन को लेकर फ्यूचर ले फ्यूचर में ले जाने की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि आपका पर्सन जो है उस तरह से ज़्यादा आपके बारे में सोचता है या चाहता है फॉर नाव लेकिन हैविंग सद मुझे लगता है कि अल्टीमेटली आपकी रिलेशनशिप में जो है वो कमिटमेंट का पार्ट आएगा वो भी अनएक्सपेक्टेड और मुझे लगता है कि आपको आप आप अपनी लाइफ में इस इंसान के साथ उस जगह होगी जहाँ पर आपने उम्मीद होप बिल्कुल छोड़ दी होगी आपको नहीं लगता होगा कि ये पर्सन कभी भी बदल सकता है कभी भी यू नो इसके एंड से कोई सॉलिड कमिटमेंट आ सकती है और तब ये पर्सन आपको सरप्राइज देगा और कमिटमेंट uh, की या शादी की बात करेगा मेजॉरिटी लोगों के लिए द आंसर इज़ द बिग ये कि येस ये पर्सन जो है कमिटमेंट की तरफ आएगा और एंड ऑफ वाली जो सिचुएशन है आपकी और इसके दरम्यान में वो ख़त्म हो जाएगी मुझे लगता है कि आपको अपनी होप्स जो है वो काफ़ी लाइव रखने की ज़रूरत है यहाँ पर गिवन सिचुएशन में और डेफ़िनेटली हाँ सिचुएशन जो है आपके और आपके पर्सन के दरम्यान में ज़बरदस्त हो जाएगी uh, कहीं ना कहीं uh, दो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको करने को कहूँगी और अगर आप ये करते हो तो उससे आपकी लाइफ में इस इंसान के साथ और ब्लेसिंग्स आएँगी पहली चीज़ डोनेशंस चैरिटी वर्क फीडिंग पीपल अगर आप इंसानों को खाना नहीं खिला सकते आप जानवरों के लिए खाना बाहर छोड़ सकते हो पानी या फिर कोई यू नो बर्ड्स के लिए कोई फूड या फिर यू नो एंट्स के लिए कोई फूड जो आपका घर में बच जाता है आप वही बाहर डाल दो ताकि कोई खा ले उसको ठीक हो गया ये भी आप कर सकते हो मिनिमल जो है आप ये कर सकते हो ठीक है उसके अलावा अगर आप किसी को हेल्प कर सकते हो फाइनेंशियल हेल्प या अदरवाइज़ हेल्प आप वो भी कर सकते हो आपको अपने अपनी जो एक यू you नो know, आपकी जो uh, यू डोंट हैव टू काफ लेकिन बर्डन यूर सेल्व क्यों सादिया ने कहा है तो ये करना है नो no. आपने ऐसे करना है जिस जिससे आपको लगे कि ये तो आपके लिए आसान भी है और आप आपकी मुश्किल आपकी मसले आपके मसाइल जो हैं वो भी हल हो रहे हैं सो डू इट इन अ वे जहाँ पर आपको फील भी नहीं हो और आपने किसी की हेल्प भी कर दी हो इन अ वे जहाँ पर आपको कुछ ओवर डू नहीं करना पड़े आपको लगे नहीं कि ओवर डू करे क्योंकि वो तो फिर आपके लिए बर्डन हो जाएगा वो तो फिर आपका यू you नो know, आप आप फील करोगे कि आप अपने हिस्से का किसी और को देने लगे हो उस तरह से नहीं करना आपने थोड़ा बहुत करके जितना भी आप किसी के लिए कर सकते हो यू नो पैनी बाय पैनी कर सकते हो यू you नो know, एक यू एक, you know, नो अपनी अपनी करेंसी के हिसाब से टेन रुपीज़ आप कर सकते हो आप उतना भी अगर किसी को देते हो या अगर आपको लगता है कि इट्स टू लेस टू गिव तो आप ये कर सकते हो कि एक बॉक्स बनाओ जिसमें आप वो पैसे डालते रहो और जब थोड़े ज़्यादा हो जाए देन आप किसी को दे दो तो वो भी आप कर सकते हो वरना चैरिटी बॉक्सेस बने होते हैं उसमें भी डोनेट कर सकते हैं लेकिन आई टू बी ऑनेस्ट मैं प्रेफर नहीं करती वो वो डोनेशन सिस्टम आई डोंट प्रेफर मुझे लगता है कि जो आप लाइव किसी को देते हो ना वो एक और चीज़ होती है यू डोंट नो कि ये पैसे कहाँ जाते हैं जो यू नो जो यूजुअली बॉक्सेस में आप डाल देते हो I I really don't go with that. मैंने कभी you know I never prefer कि मैं उस तरह से जाऊँ हाँ अगर आपको किसी को help करना है financially और uh, hospital में आप visit कर सकते हो जो आपको लगता है कि सबसे गरीब लोग जहाँ पर आते हैं वहाँ पर आप किसी को help कर सकते हो और help करके आप वहाँ से चले जाओ You know it's it's something जो कि आपको लगेगा कि वाकई किसी की help भी हुई और आप उस इंसान के चेहरे पर जो खुशी देखोगे उस टाइम पर वो भी आपके लिए एक दुआ जैसे बनकर आपको लगेगी ठीक हो गया ये चीज़ें अगर आप करते हो आपकी लव लाइफ में जो मसले मसाइल हैं ब्लॉकेज हैं वो खत्म हो जाएंगे गे. ये चीजें अगर आप करते हो तो जो सिचुएशन है वो आपके फेवर में जल्दी हो जाएगी राइट uh, मुझे लगता है कि आपकी रिलेशनशिप इस इंसान के साथ uh, कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाएगी कम्पलीटली चेंज हो जाएगी और अल्टीमेटली मुझे लगता है कि जो आपकी विश है डिज़ायर है कि पर्सन कमिटमेंट दे और ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन ख़त्म हो जाए तो उसके चांसेस बहुत स्ट्रॉग लग रहे हैं मुझे यहाँ पर और मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है थोड़ा अवॉइड uh, करता है कम्युनिकेशन को आपको बातचीत को ओपननेस को यू नो ओपननेस नॉट सेक्शुअली सेक्शुअली में भी ही और शी इज़ नॉट यू नो हैविंग इशू लेकिन वेन इट कम्स टू इमोशनली अपने आप की या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना या शेयरिंग करना चीज़ों को लेकर ये यू you नो know, कोई भी अपनी फैमिली से रिलेटेड अपने आप से रिलेटेड अपनी विशेज अपनी डिजायर से रिलेटेड मुझे नहीं लगता कि उस तरह का कनेक्शन या बॉन्ड है आपका आपके पर्सन के साथ सेक्चुअली ऑन एंड ऑफ हो सकता है इमोशनली कभी वो उस तरह का सिचुएशन नहीं रही है एटलीस्ट एक्सप्रेशन में नहीं रही है प्यार है फीलिंग्स हैं लेकिन उनको uh, रोका जाता है इस इंसान की तरफ से जिसकी वजह से शायद आप उसको यू you नो know, वो अपने आप को लिमिट करता है कि वो आपको सेक्शुल ही एज अ एज अ पर्सन देखे या आपको टाइम uh, पास या फिर यू नो जैसा चल रहा है वैसे यू नो उसको टाइम पास ही कहेंगे अगर आपको बुरा लग रहा है तो इट्स इट्स लाइक मतलब दैट्स द फैक्ट टाइम पास के लिए वो आपको देखता है एज इन की राइट नाव जो है वो अच्छा है सो दैट पर्सन इज़ हैप्पी विद दैट लेकिन वैन इट कम्स टू द शादी पार्ट या कमिटमेंट पार्ट वो उसको उसको नहीं कंसिडर करता लेकिन जैसे कि आप चेंजेस अपने अंदर करोगे या जो नेशनस वगैरह जैसे मैंने बात की अगर आप उसके ऊपर काम करते हो तो इवेंचुअली दिस पर्सन इज गोइंग टू चेंज इवेंचुअली तो इससे चेंज होना है राइट right? लेकिन चीज़ें स्पीडली आगे बढ़ सकती हैं अगर आप ये सब करो जो मैंने मैंशन किया सो या लेट्स ये कि आपके लिए गाइडेंस क्या है गिवन सिचुएशन में Uh, अच्छा उस पर जाने से पहले हमारे सवाल क्या थे पहला सवाल हमने कर लिया कि ऑन एन ऑफ ख़त्म होगा या नहीं ख़त्म होगा कमिटमेंट की तरफ चीज़ें जाएंगी ठीक है कमिटमेंट होगी या नहीं कमिटमेंट होगी ठीक है उसके अलावा uh, आपको क्या करना है वो भी एक तरह से हो गया लेकिन स्टिल हम ऑरिकल गाइडेंस उस पर देंगे राइट नाउ पर्सन की जो करंट फीलिंग्स हैं या एनर्जीज हैं वो देखते हैं सेवन ऑफ सोथ का कार्ड है un, un, uh, uh, you know, एक, um, एक रेस्टलेसनेस टाइप की एक चीज़ है जो कि आपका पर्सन आपकी तरफ फील करता है ऑन एंड ऑफ सी सिचुएशन ऑन एंड ऑफ फीलिंग्स कभी कोल्ड कभी कभी बहुत ही वार्म हो जाता है टुवर्ड्स यू सी के क्या फिलहाल उसकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर क्या सोचता है वो आपके बारे में किंग फॉन्स फॉन्सली फिजिकली यस यू आर enough, बट वैसे आपकी बातें से कुछ खास पसंद नहीं है शायद आप उसको आईना दिखाते हो एंड दिस पर्सन रियली फील्स कि आप सड़ियल हो बट एक्चुअली मैं आप दोनों एक जैसे हो यू you नो know, um, आप दोनों की बातें एक दूसरे को बहुत बुरी लगती हैं कभी कभी लेकिन आप दोनों एक दूसरे को आईना दिखाते हो बेसिकली सेक्शुअली uh, आप दोनों जिस तरह से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हो इस तरह से मुझे नहीं लगता कि कोई यू you नो know, जो केमिस्ट्री जब बॉन्ड है आपका चाहे वो सेक्शुअली ही क्यों नहीं है लेकिन इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग ये केमिस्ट्री uh, ये जो पैशन है टूअर्ज ईचर था ये आप किसी और के साथ नहीं फील करते ना ही आपका पर्सन किसी और के साथ फील करता है ठीक हो गया तो डेफिनेटली पर्सन की इंटेंशन राइट नाउ चीज़ों को लेकर है कि जैसा चीज़ें हैं वैसी हैं इमोशनली अगर आप ओपन अप करोगे या अपने अपने दिल का हाथ बयान करोगे इस इंसान से या फिर ये पर्सन जो है अगर आप चाहोगे कि ये ओपन अप करे वहाँ पर आपका रिलेशनशिप हमेशा यू नो सत्यानाश होगा बेसिकली खराब होगा क्योंकि ये पर्सन जो है यू नो सेक्शल रिलेशनशिप या फिर टाइम पास वाले रिलेशनशिप से आगे नहीं जाना चाह रहा फिलहाल ठीक हो गया लेट्स सी के गिवन सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए अदर देन थिंग्स जो कि मैंने मैंशन किया उसके अलावा आपको क्या करना चाहिए इसके बाद हम चांस एड करेंगे is not what it seems stay true to your knowing keep your dreams a secret um अगैन जो चीज़ें हैं वैसी हैं नहीं आपका पर्सन शायद अनइमोशनल या अनअटेचड फील कराता है बट ऐसा है नहीं डीप डाउन उसकी फीलिंग्स है जिसको लाइक है सट कि वो जो उसकी एनर्जीज हैं वो काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है सप्रेस करने की कोशिश करता है और उसको लगता है कि नहीं 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 मैं तो सिर्फ इसको फिजिकली यू नो यू आर सो ब्यूटिफुल यू आर सो गुड लुकिंग यू आर सो यू नो सेक्सी हॉट हैंडसम ब्लब्ला ब्ला लेकिन इमोशनल तो मेरे दिल में नहीं है आपके लिए यू नो ऐसी एनर्जी देता है पर्सन लेकिन डीप डाउन इट्स नॉट वट यू सी और वट यू गेट फ्रॉम यू नो दिस पर्सन डीप डाउन कुछ और ही रियालिटी है मुझे लगता है कि सम हाउ पर्सन दिल ही दिल में चाहता है कि कनेक्शन आगे चलता रहे uh, और अगर यू you नो know, इतना ही खाली सेक्शुअल रिलेशनशिप है या खाली यू नो एक बेसिक uh, रिलेशनशिप uh, है तो वो बाय वुड दैट पर्सन वॉन्ट कि बस ये लास्ट करे कनेक्शन सो कहीं ना कहीं कुछ और उसकी सीक्रेटली इंटेंशनस हैं इस कनेक्शन को लेकर जो कि फ़िलहाल वो स्ट्रॉन्ग नहीं है टू ओन दैम तो कहीं ना कहीं मास्कअप करता है अपने फीलिंग्स को अपने इमोशंस को और इसकी वजह से राइट नाउ जैसा वो है वो ऐसा है ना गिविन सर्कमस्टांसिस में uh, द डिवाइन रिली वॉन्ट कि आपकी जो इनर नोइंग है इस इंसान को लेकर आपने उसके ऊपर फोकस रखना है आपके जो फीयर्स हैं आपके भी जो अपने डाउट्स हैं अराउंड दिस कनेक्शन आपने उसको आ, या आपको जो पर्सन की बिहेवियर से कभी कभी कुछ फील होता है कि ये रियालिटी है वो रियालिटी नहीं है देर इज़ मोर टू दैट यू नो आपका पर्सन सही चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर रहा लेकिन आपकी जो विश है आपकी जो डिज़ायर है यू कीप इट टू योर सेल्फ ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हो पर्सन को लेकर uh, उसको नहीं बताओ कि आप क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो सीक्रेटली मैनिफेस्ट वट यू वॉन्ट लेट्स टेक वन मोर कार्ड. टेक टाइम टू रिलैक्स इंड अ लिटिल मोर और लेस सेट बाउंड्रीज विद वर्क कोशिश करो कि आप मैं वो लोग uh, जो जो बहुत ज़्यादा ऑबसेस्ट हो जाते हैं पर्सन से उसमें आपको बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है कितना टाइम आपने इस रिलेशनशिप को देना है इस पर्सन की थॉट प्रोसेस को देना है यू हैव टू मेक श्योर कि आप बैलेंसड रखो अपनी ज़िंदगी में क्योंकि कहीं ना कहीं आप शायद इम्बैलेंस हो जाते हो जब पर्सन का सोचते हो फ्यूचर का सोचते हो कनेक्शन का सोचते हो विच इज़ नॉट राइट ठीक हो गया ओ चांस तो अभी मैंने अनपैक किए ही नहीं है बैगेज सो so, वो चांस तो उस बैग में है सो आई डोंट थिंक की वी विल बी एबल टू एड चाम्स सो य चां्स का जो है फॉर इट्स नॉट विद मी राइट नाउ आई नीड टू अनपैक स्टफ फॉर दैट सो या फिलहाल के लिए इतना ही um, अगर आपको हेल्प किया हो गाइड किया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो चिलो यू द नेक्स्ट रीडिंग टेक केयर बाय